लुधियाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 7 सदस्यों को काबू किया है। पुलिस को इनके पास से लूट के 2 दर्जन के करीब मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और 3 सोने की चैनियां बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह स्कूल और कॉलेज से अकेले जा रहे महिलाओं को नकली पिस्तौल दिखा उनसे मोबाइल फोन और पर्स छीन लेते थे। इस गिरोह के सदस्य अब तक इस तरह से 44 वारदात को अंजाम दे चुके हैं। गिरोह के कई सदस्यों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। लूटा खोहा करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया, जिहड़े दोपहर के टाइम कॉलेज या स्कूल तो जो लेडीज बेवा जगह नहर के किनारे या डेलू साइड के विच वारदात करते जांदियां सी, उन्हां कोलों खिडौना पिस्तौल दिखा के पिस्टल पॉइंट से पर्स मोबाइल वगैरह खोह लेंदे सी। इन्हां दे पासों असी 3 मोटरसाइकिल, 3 सोने दियां चैनियां, 21 मोबाइल रिकवर किए आ। इहदी टोटल 44 वारदातां नूं अंजाम दित्ता सीगा। इन्हां दे विच्चों 5 दोषी जिहड़े आ उह लुटखो करन वाले सीगे, 2 जिहड़े बंदे असी उह गिरफ्तार किए आ जिहड़े इन्हां कोल मोबाइल खरीददे सीगे, ते जिहड़े मोबाइल खरीदण वाले सी उह नशे दा वी स्मैक वगैरह भी इन्हां नूं लिया के दिंदे सीगे। इह टोटल दोषी 7 अरैसट किए आ, ते इन्हां कोल रिकवरी जिहड़ी असी उह तकरीबन कर ली आ, अजे होर भी पुछगिछ जारी आ। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।